कल भी मुझसे रابطہ किया था, सुबह भी तकरीबन 10-1 बजे उन्होंने रابطہ किया था। कोशिश है कि इंशाल्लाह हम स्टैंडर्ड बहाल करेंगे और अच्छा होगा। आप भी आप विजिट कर सकते हैं, जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट है। कराची में होते हैं ज्यादातर वो, लेकिन यहाँ पे हमने सुना था कि वो आज आ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे आए। अस्सलाम वालेकुम, अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको आसानी मिल सके। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूं सब खैरियत होंगे। मैं तौसीफ अहमद, आप देख रहे हैं तौसीफ डायरी यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, इस टाइम में स्वाद के अंदर मौजूद हूँ और माज सफ्तर रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद हूँ, ठीक है। आज का जो मेरी वीडियो है, आज बेसिकली हम यहाँ पे आए हैं माज सफ्तर से मुलाकात करने के लिए। आप जानते हैं माज सफ्तर को, बेसिकली वो एक सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं, ठीक है, और काफ़ी वायरल हैं वो, ठीक है। उनके जो ना यूट्यूब पर भी उनका चैनल है माज सफ्तर के नाम से, ठीक है। टिकटॉक पे भी अच्छे खासे मिलियन के हिसाब से उनके जो ना फॉलोवर हैं, और मतलब जाने पहचाने जाते हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े यूट्यूबर्स में उनका नाम आता है। आज हम उनसे मिलने के लिए यहाँ पे आए हैं, ठीक है। अभी उनके रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद हैं हम, ठीक है। ये आप देख सकते हैं हम रेस्टोरेंट की, उनका जो रेस्टोरेंट है वहाँ उनकी छत पर इस टाइम हम मौजूद हैं इस टाइम, ठीक है। और इंशाल्लाह आज जो है ना हम कोशिश करेंगे कि माज सफ्तर से आपकी मुलाकात करवाएं। अभी हम डायरेक्ट यहाँ पे आए हैं, ठीक है। यहाँ साइड से हो गए ना तो हम यहाँ पे आए, क्योंकि यहाँ से जो है ना इंटरेस्ट इनके अंदर है, ठीक है। अभी हम इनके अंदर जाएंगे, ठीक है, और हो सकता है माज सफ्तर की मुलाकात आज हमसे हो जाए, फिर इंशाल्लाह आपको जो है ना मिलवाते हैं माज सफ्तर से। अभी यहाँ का वेदर माशाल्लाह खुशगवार किस्म का वेदर है, और आप देख सकते हैं आसमान को माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत किस्म का मंजर पेश कर रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पे इस टाइम में छत के ऊपर मौजूद है, यहाँ से आप व्यू चेक करें स्वात का, ठीक है। यहाँ के स्वात की ब्यूटी आप देखें माशाल्लाह जी। बस आज की वीडियो में इंशाल्लाह आज माज सफ्तर के पूरे रेस्टोरेंट का आपको विजिट करवाएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ जो ना रेस्टोरेंट प्लस होटल प्लस जो ना इसकी इर्द गिर्द जितनी भी मतलब खूबसूरती है, ये इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, ठीक है। और माज सफ्तर से मुलाकात करवाते हैं इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आज माज सफ्तर मिल जाएंगे। हम ये सोच के आए थे कि हमने सुना था कि वो यहाँ पे आज आ रहे हैं, बेसिकली वो यहाँ पे नहीं होते, वो कराची में होते हैं या लाहौर में होते हैं, ठीक है, लेकिन कराची में होते हैं ज़्यादातर वो, लेकिन यहाँ पे हमने सुना था कि वो आज आ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आज मिल जाएंगे वो। पर आज हम इस रेस्टोरेंट के ऊपर मौजूद हैं, आज आपको जो ना माज सफ्तर के रेस्टोरेंट के बारे में सारा बताएंगे कि माज सफ्तर का रेस्टोरेंट कैसा बना है। व्यूअर, इस साइड की आप खूबसूरती चेक करें, माशाल्लाह बड़ी प्यारी किस्म की ब्यूटी है यहाँ पे जो ना, इन्होंने रूम छोटे छोटे विलेज यहाँ पे बने हुए हैं माशाल्लाह, काफी खुशगवार किस्म का यहाँ पे जो ना वेदर है इस टाइम, और बड़ा अच्छा किस्म का माहौल है। व्यूअर्स, जितने भी लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली मजेदार और खूबसूरत किस्म की वीडियो आपको मिलती रहे। जी व्यूअर्स, मैं अभी यहाँ से आया हूँ और मैंने एक चीज नोट की, यहाँ पे ये जो सड़क है, ये वाली रोड, ये न्यू बनाई है अभी इन्होंने, इसी टाइम मतलब आज या कल इनका काम मुकम्मल हुआ है, ठीक है। ये वाली रोड अभी नहीं बनाई है। इस साइड में एक छोटा सा इनका गार्डन है, ये काफी खूबसूरत किस्म के यहाँ पे जो ना सब्जा वगैरह है पूरा लगे हुए, और यहाँ पे इस टाइम ये छत पे हम, ठीक है। और सूरज को आप देखें, सूरज अभी जो ना गुरूब होने के बिल्कुल करीब तरीन है। इस साइड पे आप व्यू देखें कि मतलब एक छोटा सा इसमें जंगल टाइप एरिया है, ये भी आप कह सकते हैं, और इसमें दरख्त वगैरह है माशाल्लाह, ये भी काफी जो ना जी वर्स। अभी हम यहाँ छत के ऊपर है और यहाँ से इसकी ब्यूटी आपने देखी माशाल्लाह, काफी खुशगवार किस्म की यहाँ पे ब्यूटी है। अभी हम नीचे चलते हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट का व्यू भी आपको करवाते हैं और माज सफ्तर से भी मुलाकात करवाते हैं। यहाँ से आप देखें इसकी ब्यूटी माशाल्लाह, ये भी बड़ी प्यारी किस्म की ब्यूटी है, ठीक है। यहाँ पे बाकायदे तौर पे जो ना बड़ा खुशगवार किस्म का माहौल है, यहाँ से सूरज की शुआएं डायरेक्ट यहाँ पे अंतर पड़ने वाला, यहाँ पे मंजर आप देखें बड़ा खुशगवार किस्म का और दिल को छू लेने वाला मंजर है। अभी हम और नीचे जाते हैं व्यूअर्स। व्यूअर्स, ये इनके रूम्स है, ये पूरे एरिए में जो ना ये रूम्स है काफी कसीर तादाद में ये।
जी तो पहले पहले व्यूवर्स सभी जो ना माज अफ्तर साहब ने आना था लेकिन वो नहीं आए या फिर आएंगे वो बात जो ना मेरे साथ यहाँ के रेस्टोरेंट के जो ना मैनेजर साहब मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। वैसे हमने सुना था कि माज अफ्तर साहब आ रहे हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे ट्रैवल भी किया, ठीक है, यहाँ पे आए हमने, लेकिन वो आज मुलाकात नहीं हो सकी। अभी मेरे साथ जो ना यहाँ के जो ना जी एम साहब मौजूद हैं इनसे बात करते हैं कि वो आएँगे क्या, मज़ीद वेट करें, उनका इंतज़ार करें या ना करें। जी सर, माज अफ्तर साहब के बारे में बताइएगा कि उन्होंने आना था, ठीक है, हमने यहाँ पे वेट भी किया, क्या मज़ीद इंतज़ार करें या ना करें। जी बिल्कुल, वो उन्होंने यानी कि कल भी मुझसे रब्ता किया था, सुबह भी तकरीबन 10-1 बजे उन्होंने रब्ता किया था कि मैंने आज पहुँचना है जी, लेकिन कुछ ज़ाती वजूहात की बिना पर या ज़ाती मसरूफियात की बिना पर वो ना आ सके, उन्होंने माजरत कर ली। अच्छा, तो आगे जो है इंशाल्लाह मेरे ख्याल में उन्होंने ये भी मुझे फ़ोन पर बताया कि 2 से 3 दिन में मैं लाजमी आऊँगा। अच्छा जी जी जी, तो पहले पहले व्यूअर्स ये बातें आपने सुनी, यहाँ के जीएम साहब मौजूद हैं। अच्छा सर, आप मुझे बताएं आप यहाँ पे कितने अरसे से यहाँ पे अपने फ्राइज सर अंजाम दे रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं 1 साल से यहाँ पे यानी कि काम कर रहा हूँ, ठीक है, और हमारी कोशिश है कि मतलब जो हम वीडियोस पे दिखा रहे जी जी, उनको यानी कि आमलन तौर पर भी लोगों को पेश करें। बिल्कुल, तो हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह हम स्टैंडर्ड बहाल करेंगे और अच्छा होगा, आप भी विजिट कर सकते हैं, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट है। बहुत शुक्रिया। जी बस ये मेरे साथ जो ना यहाँ के रेस्टोरेंट के जो ना जीएम साहब मौजूद थे, अभी हम जो ना इनसे एक दो बातें और पूछते हैं। सर आप मुझे ये बताइएगा कि माज अफ्तर साहब यहाँ पे कितने अरसे के बाद ट्रैवल करते रहते हैं, मतलब वो आते भी हैं या नहीं आते, मतलब कितने अरसे के बाद वो यहाँ पे आते हैं। पहले तो मैं व्यूअर को आगाह कर दूं कि तकरीबन उनके 2 से 3 बिजनेस और भी है, यानी कि परफ्यूम का इनका बिजनेस है। अच्छा, तो यानी कि बिजी वगैरह ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो महीने में भी कभी कभार जो है 1-2 दिन के लिए आ जाते हैं, 2 महीने बाद अगर वो आते हैं तो फिर 1 हफ्ते के लिए वो लाजमी यहाँ पे हमारे साथ स्टे करते हैं, ठीक है, तो बिजी वगैरह अगर ना हो तो फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी भी विजिट हो जाता है उनका। ठीक हो गया, अभी वो आएंगे या कब तक आएंगे क्या? जी बिल्कुल, रब्ता मेरा उनके साथ हुआ है, इंशाल्लाह वो कह रहा था कि मैं आज ही उनको आना था लेकिन मसरूफियात की वजह से वो नहीं आया, और मैं आपको जावेद से कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह 2 या 3 दिन में वो लाजमी आएंगे। ठीक हो गया। जी तो पहले पहले व्यूअर्स ये मेरे साथ जो ना यहाँ के रेस्टोरेंट के जो ना जीएम साहब मौजूद थे, अभी ये मेरे साथ ही हैं, मैं भी इन्हीं के साथ हूँ, ठीक है, इंशाल्लाह अब मैं ये जो रेस्टोरेंट है यहाँ पे, ये ऊपर आप देख सकते हैं इस एरिया में ना विलेज है ये, ठीक है, तो यहाँ पे जो ना हिस्ट्री की काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं। अभी हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे यहाँ पे जो ना हिस्ट्री की जो ना आज से तकरीबन 100 साल पुरानी 80 साल पुरानी चीज़ें इस विलेज के अंदर मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह मैनेजर साहब को लेके हम वहाँ पे जाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपको ना वो दिखाएंगे। तो मेरी वीडियो पे जितने भी लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी खूबसूरत किस्म की वीडियो मिस ना हो। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय साझा करें, मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।